वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ UPPCS 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। हम लोग GS के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आज ये थर्ड सीरीज है। इससे पहले दो पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उन क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं, वो दोनों पेपर भी सॉल्व कर लीजिए। आज ये तीसरा है, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर हैं, उनके आंसर्स आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करके लर्न जरूर कर लीजिए और एक दो बार इस पेपर को रिवाइज कर लीजिएगा। UPPCS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की गई है, इसको आप सॉल्व कीजिए और बेहतर तरीके से आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे GS की क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, तो ये इसके साथ साथ कुछ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं सब्जेक्ट वाइज, रात को 9 बजे वाली क्लास में, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, UPPCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए नया कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आ चुका है, मात्र 1600 रुपये में आपको कम्प्लीट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, ऐप पर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह RO री एग्ज़ाम के लिए मात्र 800 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से SES का ऐप डाउनलोड करना होगा और अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको वो कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, तो जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज का अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो पहला है, धौली में चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी उड़ीसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 272 से 231 ईसा पूर्व में बनवाया था। सेकंड है, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसे 332 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। थर्ड है, बौद्ध साक्ष्य के अनुसार सिंघली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि धौली में चट्टान को काट कर बनाया गया हाथी और ईसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति तो है लेकिन इसे अशोक ने बनवाया था 272 से 231 ईसा पूर्व के समय। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। सेकेंड, अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। थर्ड है, ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। फोर्थ है, ऋग्वेद में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख किया गया है। और फिफ्थ है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं, नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा और पांचवा इनकरेक्ट है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख मिलता है और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, संगम काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। सेकंड है, चावल सबसे आम फसल हुआ करती थी। थर्ड है, इस काल में लोग सूती और रेशमी कपड़ों की कताई और बुनाई में अत्यधिक निपुण हुआ करते थे। फोर्थ है, पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक के उरैयूर में बने हुए सूती कपड़ों की भारी मांग थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषकर तमिलनाडु के उरैयूर में बने हुए जो सूती वस्त्र थे ये इनकी भारी मांग हुआ करती थी, ना कि कर्नाटक के। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सेकेंड है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजात शत्रु ने युद्ध के दौरान अजात शत्रु के मंत्री वत्साकर ने वैशाली में बुद्ध से मुलाकात की थी।
थर्ड है सहारनपुर का सिंगरौर नामक स्थान, प्राचीन काल में शंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था। कौन से कथन इनमें से सही दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि प्रयागराज का है सिंगरौर, ना कि सहारनपुर का है जहाँ पर प्राचीन काल में से शंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है अश्व घोष कनिष्क के दरबार के राजकवि थे। सेकंड है वसुमित्र, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। थर्ड है कनिष्क का नाम महायान बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के साथ साथ गांधार शैली के प्रसार से जुड़ा है। फोर्थ है भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अशोक के काल से ही प्रारंभ माना जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कनिष्क के काल से प्रारंभ माना जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम किटफिशस को माना जाता है, वह कुजुल किटफिशस का पुत्र था। सेकेंड है विम किटफिशस शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर खुद को महेश्वर घोषित किया था। थर्ड है विम किटफिशस सिंधु नदी के पूर्व में कुषाण साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला कुषाण शासक था। फोर्थ है विम किटफिशस अंतिम कुषाण शासक था जिसने सिक्कों पर द्विभाषी और दोहरी लिपि का उपयोग किया था। फिफ्थ है कुषाण शासकों में विम किटफिशस भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रारंभ करने वाला पहला शासक था। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम किटफिशस ये किटफिशस प्रथम का पुत्र था, ना कि कुजुल किटफिशस। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है तुगलक राजवंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सेकेंड है सैयद राजवंश का संस्थापक खिजर खां था। थर्ड है लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और फोर्थ है निज़ाम शाही राजवंश का संस्थापक हसन गंगू था। कौन से कथन या कौन सा कथन है जो इसमें सही दिए गए हैं, कौन से मैच्ड हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही से मैच करके दिया गया है। चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि निज़ाम शाही राजवंश जो कि अहमदनगर का संस्थापक था वो मलिक अहमद था। कौन था? मलिक अहमद, ना कि हसन गंगू। एट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी अजमेर थी। सेकंड है गहड़वाल राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी। थर्ड है परमार राजवंश की राजधानी धारा नगरी थी और फोर्थ है कलचुरी राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, केवल तीसरा करेक्ट है, परमार राजवंश की राजधानी धारा नगरी थी जबकि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी कन्नौज। गहड़वाल राजवंश की जो राजधानी थी वो भी कन्नौज थी। परमार राजवंश की राजधानी धारा नगरी और कलचुरी राजवंश की राजधानी थी त्रिपुरी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राजराज प्रथम का मूल नाम अरुमौली वर्मन था, इन्होंने राजराज की उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर धारण की थी। सेकंड है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा दो अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। थर्ड है राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान नासिक और कार्ले गुफाएं प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हुआ करती थी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि सातवाहन राजवंश के शासनकाल के दौरान नासिक और कार्ले जिन्हें कार्ला गुफाएं कहती हैं ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हुआ करती थी। टेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। सेकंड है सातवाहन काल में संगम काल में कावेरी डेल्टा का भाग अपने कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ करता था।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नामक शहरों की स्थापना मौर्य शासक सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। सेकंड है, मौर्य काल के दौरान भूमि कर की दर 1/4 और 1/6 भाग के मध्य हुआ करती थी। थर्ड, प्रबोध चंद्रोदय में नंद वंश के पतन के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने राज्य की स्थापना का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा नहीं सही है, क्योंकि विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था एक ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस, जिसमें नंद वंश के पतन के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने राज्य की स्थापना और विस्तार का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस याद रखना है, ठीक है। बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सेकंड है, वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। थर्ड है, पूर्व वैदिक काल में विदर्भ सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी। चौथा है, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला कथन है, चोल शासक शैव धर्म के प्रबल अनुयायी होते थे। सेकंड है, चोल शासकों के राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर होता था। थर्ड है, चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य कड्डलोर नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए थे। फोर्थ है, तक्कोलम का युद्ध चोल शासक परांतक प्रथम तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच 989 ईस्वी में लड़ा गया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि चोल कालीन चित्र कला के जो साक्ष्य हैं तंजौर नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा जो तक्कोलम का युद्ध है, चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण तृतीय, इनके बीच लड़ा गया था, लेकिन 1949 में। और इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय, इन्होंने चोल शासक को पराजित करके टोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था, जो चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सेकंड है, चालुक्य अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। थर्ड है, लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री को भारत में गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है। फोर्थ है, गुप्त शासक स्कंद गुप्त के शासनकाल की उपलब्धियां इनका वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना और सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य सी विजय था, जो कि चीनी अतीत सिंह के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन है मंदसौर अभिलेख में, ना कि स्कंद गुप्त के। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, अलबरूनी के अनुसार बल्लभ नामक राजा ने शक संवत के 241 वर्ष बाद बल्लभी संवत का प्रवर्तन किया था। सेकंड है, गुप्त अभिलेखों के अनुसार सामान्य रूप से कृषक द्वारा राज्य को दिए जाने वाले भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। थर्ड है, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 16वां प्रश्न है, सही कथन फिर से चुनना है। पहला, अहमदनगर का वास्तविक संस्थापक मलिक अहमद था। सेकंड है, जैनुल आबिदीन की उदार नीतियों के कारण से कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रित व्यवस्था के कारण से कश्मीर का
औरंगजेब कहते थे। थर्ड, शिवाजी ने मिर्जा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो जैनुल आबदीन की उदार नीतियाँ थीं इसके कारण इसे कश्मीर का अकबर तो कहते थे, लेकिन मूल्य नियंत्रित व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा कर जाता था। 17th क्वेश्चन है, इनमें से सही विकल्प चुने। पहला है, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं के प्रयासों से जुल्फीकार खां दक्कन का वायसराय बन गया था। सेकेंड है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था और अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित होता था। थर्ड, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्ण देव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का संगठन हुआ करता था जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जुल्फीकार खां की मृत्यु हुई थी, इसके बाद सैयद बंधुओं के प्रयासों से निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय बनाया गया था। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है, कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना। सेकंड है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। थर्ड है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। और फोर्थ है, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना। अब इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है, मतलब इनके कोड का यूज़ करके। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4, क्योंकि कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना हुई 1825 में। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना हुई थी 1876 में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक सिद्ध पुस्तकें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। पहला है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। सेकंड है, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड है, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की। फोर्थ है, अ नेशन इन मेकिंग, राजा राम मोहन राय। और फिफ्थ है, प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस, से सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। कौन से हैं कोड जो सही दिए गए हैं, कौन से मैच्ड हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अ नेशन इन मेकिंग ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस ये लिखी थी राजा राम मोहन राय ने 1920 में। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 20वां प्रश्न है, सही कथन बताना है। पहला है, कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड है, विलियम एडम जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी, इनका संबंध बैप्टिस्ट मिशनरी से था। थर्ड है, बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए था। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। 21वां प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। पहला है, मोहम्मद शाह का शासनकाल 18वीं शताब्दी था। सेकंड है, बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 19वीं शताब्दी था। थर्ड है, मोरक्को का जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता भारत आया था 13वीं शताब्दी में। और फोर्थ है, इल्तुतमिश का शासनकाल था 14वीं शताब्दी। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 to 1748 AD और बहादुर शाह द्वितीय जफर का कार्यकाल था 1837 से 1857, 19वीं शताब्दी। लेकिन मोरक्को मूल का जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, ये 1333 से 47 ईस्वी के बीच,
और जो इल्तुतमिश का शासन काल था वो 1210 से 1236 ईस्वी था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल पहला और दूसरा ही मैच दिया गया था, दो तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है। 22वां प्रश्न है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक, सेकेंड है शिवाजी का राज्याभिषेक, थर्ड है अकबर का राज्याभिषेक और फोर्थ है बाबर का जन्म। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करिए और सही उत्तर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। कैसे? तो औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक और 15 जून 1659 को, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, अकबर का राज्याभिषेक हुआ 1556 में और बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। अरेंज कर दीजिए, सबसे पहले 4, फिर 3 है, फिर 1 और उसके बाद है 2। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 23rd क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला है, लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 को हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड है, तृतीय गोल में सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को किया गया था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। थर्ड है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में प्रस्तुत किया गया था। कौन से कथन हैं जो सही है? इसमें आप ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को देखिए, पढ़िए और सही उत्तर बताइए। पहला है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सेकंड है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था। थर्ड है, शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। फोर्थ है, वर्ष 1829 में उन्होंने सती प्रथा विरोधी अभियान शुरू किया था। फिफ्थ है, वर्ष 1818 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अब इन कोड का उपयोग करिए और सही उत्तर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा और पांचवा क्यों गलत है? देखिए, 1818 में सती प्रथा विरोधी अभियान शुरू किया गया था, जबकि विलियम बेंटिक ने 1829 में इसे एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, इसलिए दोनों इनकरेक्ट हैं। 25वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। सेकंड है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें सत्र में पारित किया गया था, जो 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि 1929 का जो ये अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ना कि मोतीलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न में फिर से बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, 2 फरवरी 1930 से यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सेकंड है, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में मुख्य रूप से उग्रवादियों और नरमपंथियों द्वारा दो समूह में हो गया था। कौन से कथन हैं जो सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 27th क्वेश्चन है, फिर से सही विकल्प चुनिए, सारे विकल्प देखिए। पहला है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सेकंड है, मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। थर्ड है, लेडी सदाशिव अय्यर ने 1917 में मद्रास में वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही होगा।
28th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से जो कथन सही हैं उनका चयन करें। पहला, नवाब अब्दुल लतीफ ने वर्ष 1861 में कोलकाता में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। सेकंड है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने मिलकर 1875 में यूएसए के न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थर्ड है, एम जी रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर 1887 में बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि नवाब अब्दुल लतीफ ने वर्ष 1863 में कोलकाता में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। 29th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। सेकंड है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। थर्ड है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पेयर सही दिए गए हैं? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। पहला है, मिरातुल ममालिक सिदी अली रीस के द्वारा। सेकेंड है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। थर्ड है, तारीख़ अकबरी मोहम्मद आरिफ कंधारी ने लिखी। फोर्थ है, ज़फ़रनामा ए आलमगिरी अकील खान रजी ने लिखा। कौन से पेयर हैं जो सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे के सारे सही दिए गए हैं। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, इनका चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 32nd क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, दूध उत्पादन के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर कर्नाटक में दर्ज की गई है। ऑप्शन बी, वार्षिक वृद्धि दर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में पश्चिम बंगाल दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी, वार्षिक वृद्धि दर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। 33rd क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है, खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल अंडा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सेकंड है, खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है कौन सा कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 34th क्वेश्चन है, 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला है, कार्बन स्टॉक की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर था। सेकंड है, केवल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के 41.74% मैंग्रोव आवरण मौजूद है। थर्ड है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दोनों की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं।
35th क्वेश्चन है, 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है पुदुचेरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम मैंग्रोव आवरण है। सेकंड है चंडीगढ़ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम वन आवरण है। थर्ड है लक्षद्वीप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम वृक्षावरण है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 36th क्वेश्चन है कि नवीनतम अद्यतन कृषि डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला है भारत में अरहर और तूर दाल के उत्पादन, अरहर और तूर दाल एक ही होती है, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। सेकेंड है भारत में कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है। और थर्ड है भारत में अखरोट के उत्पादन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये सही उत्तर चूज करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। 37th क्वेश्चन है नवीनतम अद्यतन खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। सेकंड है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। थर्ड है भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्रोमाइट उत्पादक देश है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही दिए गए हैं। 38th क्वेश्चन है कि नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है। सेकंड है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेपसीड उत्पादक देश है। थर्ड है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है ना कि तीसरा है। 39th क्वेश्चन है नवीनतम अद्यतित खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है भारत में फेल्डस्पार का सर्वाधिक भंडार राजस्थान राज्य में है। सेकंड है भारत में फायर क्ले का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा राज्य में है। थर्ड है भारत में गुजरात राज्य में ग्रेफाइट प्राकृतिक है, इसका सर्वाधिक भंडार है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है ना कि गुजरात में। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सेकंड है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया है। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राइट आंसर आपको चूज करना ऑप्शन डी, दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है और 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 41st क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प देखिए। पहला ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। सेकंड है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य का नाम 1980 के दशक में भारतीय सेना के रेड ईगल डिवीजन के आधार पर रखा गया था। थर्ड है बुगुन लियोसिचला पक्षी को केवल ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में ही देखा जा सकता है। इनमें से कौन से कथन है ऊपर दिए गए जो सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य का नाम 1950 के दशक में बदला गया था और रखा गया था रेड ईगल डिवीजन के आधार पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है, सारे कथन देखिए। पहला है केंद्र सरकार ने 2022 तक 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था।
सेकेंड है 2023 के अंत तक रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन केवल 11 गीगावाट था। थर्ड, इसके चलते केंद्र सरकार ने समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी थी। चौथा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 2 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत केवल 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा देने को कहा गया है, ना कि 2 करोड़। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, इसराइल की सीमा मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्रों से लगती है। सेकेंड है, इसराइल साइप्रस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। थर्ड है, जनसंख्या की दृष्टि से हाइफा इसराइल का सबसे बड़ा शहर है। और थर्ड इस फोर्थ है, इसमें इनकरेक्ट दिया गया, हाइफा और तेल अवीव इसराइल के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पहला है यरूशलम, सेकंड है तेल अवीव, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हाइफा, जो कि इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी राइट है। 44th क्वेश्चन है, सही विकल्प का फिर से चयन करना है, कथन देखिए। पहला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा राज्य के एक सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। सेकंड है, किबितू गांव भारत चीन सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार दृश्य का सामना करने वाला एकमात्र सर्कल हेडक्वार्टर है। इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसका एक राज्य है सीमावर्ती राज्य किबितू, इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ना कि त्रिपुरा में। 45th क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह पिछले साल भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक के आयोजन के लिए खबरों में था। चाबहार बंदरगाह किस मध्य पूर्व देश में स्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। 46th क्वेश्चन है, सोलोमन द्वीप जो पिछले साल चीन के साथ पुलिस सहयोग संधि सहित 9 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए खबरों में था, उस शहर का चयन करें जो सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन ए देखिए, इसमें है पोर्ट मोरेस्बी, ऑप्शन बी पोर्ट विला, ऑप्शन सी फनाफुटी और ऑप्शन डी है होनियारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होनियारा। ये सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है होनियारा। जो सोलोमन द्वीप समूह है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। और सोलोमन द्वीप के जो प्रधानमंत्री हैं मनस्से सोगावारे, इन्होंने जुलाई 2023 में चीन के साथ पुलिस सहयोग संधि सहित 9 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। और ये सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। 47th क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी वियतनाम। इनमें से वियतनाम से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। अगर एशियाई देशों की बात की जाए तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती से गुजरती, किरीबाती ओशिनिया का पार्ट है। अफ्रीका के युगांडा, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से गैबन, केन्या, साओ टोम और प्रिंसिपे और कांगो से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील से गुजरती है। यहाँ पर मालदीव, इंडोनेशिया ये था, लेकिन वियतनाम नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 48th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, लाल सागर के पूर्वी क्षेत्र का अधिकांश भाग सऊदी अरब में स्थित है। सेकंड है, लाल सागर अपनी दक्षिण पूर्वी सीमा यमन के साथ साझा करता है। थर्ड है, मिस्र, सूडान, इरीट्रिया तथा जिबूती लाल सागर के पश्चिम में स्थित है। फोर्थ है, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर की उत्तरी सीमा तक स्थित है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? इन कोड को देख करके सही उत्तर चूज करिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 49th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, दूसरी तरफ इनका क्षेत्र है। स्थानांतरित कृषि में चेन्ना है, कैनगिन है, मिल्पा है और तोंगिया है। क्षेत्र की बात करें तो श्रीलंका है, फिलीपींस है, म्यांमार है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको है। अब इनको आपस में मैच करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रीजन के अनुसार। चलिए इसका राइट आंसर देखिए, हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात चेन्ना श्रीलंका में बोलते हैं, कैनगिन बोलते हैं फिलीपींस में, मिल्पा बोलते हैं मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, तो सी का 4 है, तोंगिया बोलते हैं म्यांमार में, डी का 3rd हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प फिर से चयन करना है। पहला कथन है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। सेकंड है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। थर्ड है, बैकाल झील रूस में स्थित है। फोर्थ है, सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से बैकाल झील विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील को 1996 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचों कथन सही दिए गए हैं बैकाल झील के बारे में। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, बाल्टिक सागर जो उत्तरी यूरोप में स्थित है, इसको अटलांटिक महासागर की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। सेकंड है, बोतनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के उत्तर में स्थित है। थर्ड है, रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित है। और फोर्थ है, फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर से थोड़ा दक्षिण में स्थित है। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि इसमें जो रीगा की खाड़ी है ये बाल्टिक सागर से थोड़ा दक्षिण में स्थित है, इसलिए ये गलत हो गया। और जो फिनलैंड की खाड़ी है ये बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित है, इसलिए थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे। ठीक है, बाल्टिक सागर से बात की जाए तो किसकी किसकी सीमा लगती है याद कर लीजिए, डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे देश हैं जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। और ऐसे फैक्ट्स आप जरूर प्रिपेयर रखें क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, म्यांमार की सीमा पश्चिम में चीन से लगती है। सेकेंड है, म्यांमार की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में भारत तथा बांग्लादेश से लगती है। थर्ड है, म्यांमार की सीमा पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस तथा थाईलैंड से लगती है। फोर्थ है, म्यांमार की सीमा दक्षिण में अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी से लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तीसरा और चौथा कथन सही है, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि म्यांमार की सीमा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक राज्य है और पश्चिम में भारत से तथा बांग्लादेश से लगती है। ये उत्तर और उत्तर पूर्व गलत दिया गया है, उत्तर में और उत्तर पूर्व में इसकी सीमा लगती है चीन से, दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा लाओस और थाईलैंड से लगती है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था। तो म्यांमार सबसे पहले आपको याद रखना है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है। दूसरी बात, म्यांमार की सीमा पश्चिम में भारत और बांग्लादेश से लगती है। म्यांमार की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व की बात की जाए तो चीन से लगेगी, दक्षिण पूर्व में बात की जाए तो लाओस और थाईलैंड से। म्यांमार की सीमा दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगती है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 53rd क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 16.7% है। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 84.1% है। भारत में शहरी साक्षरता दर 67.8% है और औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 1.64% है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी जो औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर है वो 1.64% है। अगर बात की जाए ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तो ये है 17.7%। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो 67.8% है।
अगर भारत में शहरी साक्षरता दर की बात की जाए तो 84.1% है, ठीक है, याद रखिएगा। 54th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सारे विकल्प पहले देख लीजिए, अगर आपने 53rd का सब नोट कर लिया हो तो मैं अब 54th वाले क्वेश्चन पर बढ़ रही हूँ। तो 54th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम था। ऑप्शन बी है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर थी। सी, जनसंख्या पिरामिड में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को आमतौर पर आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी था। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत दिया गया है क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार था, ना कि पुदुचेरी था। ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 55th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों का चयन करना है उच्चतम से निम्नतम तक। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला है गाजियाबाद, मेरठ, फिर फैजाबाद। ऑप्शन बी है गाजियाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी गाजियाबाद, फरुखाबाद और महाराजगंज। ऑप्शन डी है गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, 3971 है। वाराणसी का है 2395 और फिर है लखनऊ का 1816। तो सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद का, फिर वाराणसी का और उसके बाद लखनऊ। ऑप्शन डी राइट है। 56th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले 3 जिलों का चयन करना है। पहला है गौतम बुद्ध नगर, सेकंड है कानपुर नगर, थर्ड है गाजियाबाद, फोर्थ है औरैया और ऑप्शन जो फिफ्थ है वो इटावा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर है 80.12%, इसके बाद कानपुर नगर की 79.7%, इसके बाद आ जाता है औरैया, फिर इटावा और उसके बाद गाजियाबाद आता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 57th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला है अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। सेकंड है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। थर्ड है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। फोर्थ है भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म जैन धर्म है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन का चयन करना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही। 58th क्वेश्चन है, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है वनावरण में सबसे अधिक कमी सहारनपुर जिले में दर्ज की गई थी। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र जिले में दर्ज की गई है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं क्योंकि वनावरण में सबसे अधिक कमी देखी गई है सोनभद्र में, ना कि सहारनपुर में, तो यहाँ पर सोनभद्र होगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है सहारनपुर में, ना कि सोनभद्र में। 59th क्वेश्चन है, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। इसमें पहला कथन है सबसे अधिक अति सघन वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी जिले में है। सबसे अधिक खुले वनों तथा मध्यम सघन वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल सोनभद्र जिले में है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है कौन से कथन सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है विश्व की 78% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में है।
सेकेंड है, पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि विश्व की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में है, ना कि 78%। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश राज्य का शामली जिला दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जोड़ा गया था। सेकंड है, शामली जिला को सितंबर 2011 में मुजफ्फरनगर जिले से अलग कर दिया गया था और इसका नाम प्रबुद्ध नगर कर दिया गया था। थर्ड है, जुलाई 2012 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली कर दिया गया। स्टेटमेंट है, शामली जिले में शामली, कैराना और उन नाम से 3 तहसीलें हैं। इसका राइट आंसर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 62nd क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सबसे अधिक प्रेषण भेजने वाले शीर्ष 3 देशों का चयन करें और ये प्रतिशत के संदर्भ में है। पहला है तिमोर लेस्ते, सेकंड है कतर, थर्ड है टोंगा, फोर्थ है लग्जमबर्ग और फिफ्थ है संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें सबसे पहले आएगा तिमोर लेस्ते, सेकंड नंबर पे है लग्जमबर्ग और थर्ड है संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद कतर, फिर है टोंगा। 63rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, सेकेंड है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, थर्ड है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर और फोर्थ है केंद्रीय भीड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि केंद्रीय चमड़ा संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है उत्तर प्रदेश, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर जयपुर राजस्थान में। 64th क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था। सेकेंड है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का तीसरा संस्करण है। थर्ड है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई है। ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 पहला संस्करण है, ना कि तीसरा है। 65th क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी। सेकंड है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। थर्ड है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 66th क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था।
सेकेंड है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। थर्ड है चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। फोर्थ है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान 1853 के चार्टर में था। 67th क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। सेकेंड है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। थर्ड है 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। फोर्थ है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ना कि 49 को, इसलिए ये गलत है। 68th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सारे कथन देखिए। पहला, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में प्रस्तुत हुई थी। सेकेंड है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। थर्ड है बाद में इस उद्देश्य संकल्प को संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया था। फोर्थ है वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 69th क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है राज्य का प्रतीक जो वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है 26 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। सेकेंड है राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में 52 सेकेंड का समय लगता है। थर्ड है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जो राज्य का प्रतीक है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया वाराणसी जिले से, ये 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, ना कि 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सेकेंड है समाजवादी धर्म निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को भारतीय संविधान के 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। थर्ड है सार बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। फोर्थ है वर्ष 1978 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के लिए मान्यता दी थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि केशवानंद बनाम केरल राज्य वाला जो मामला है वो 1973 का है, ना कि 1978। 71st क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। पहला कथन है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। थर्ड है भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित की गई थी।
फोर्थ गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले विमल हसमुख पटेल ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 72nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, B.R. अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। सेकंड, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। थर्ड, भारतीय संविधान को तिरुवेल्लोरे थट्टई कृष्णाचारी ने क्वासी फेडरल कहा था। फोर्थ, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को K.M. मुंशी ने लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान को K.C. वियर ने क्वासी फेडरल कहा है, और जो K.C. वियर हैं इन्होंने ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। तो आपको यहाँ पर K.C. वियर का नाम याद रखना है। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? इसका राइट आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 371A, ऑप्शन बी 371B, ऑप्शन सी 371C और ऑप्शन डी 371D। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। इसके अलावा 371C में मणिपुर राज्य से रिलेटेड है विशेष उपबंध, और 371K में भी नागालैंड से रिलेटेड विशेष उपबंध दिए गए हैं। 74th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारियां शामिल हैं। सेकंड, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 28 विषय हैं। थर्ड, 11वीं अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। फोर्थ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 छः 11वीं अनुसूची से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन, लेकिन 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय आते हैं, ना कि 28। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, आर्टिकल 243B में पंचायतों की संरचना है। सेकेंड है, आर्टिकल 243Q में नगर पालिकाओं की संरचना है। थर्ड है, आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि है। फोर्थ है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग दिया गया है। कौन से पेयर्स हैं जो सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा सही है। पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि पंचायतों की संरचना दी गई है 243X में, और 243B में पंचायतों का गठन है। नगर पालिकाओं का गठन दिया गया 243Q में, ना कि संरचना। 76th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही विकल्प चयन करें। पहला है, भारतीय संविधान का भाग 9 खा पार दिए गए हैं, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है। सेकंड है, भारतीय संविधान का भाग 10, इसमें सहकारी समितियां दी गई हैं। थर्ड है, भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और फोर्थ है, भारतीय संविधान का भाग 15, इसमें निर्वाचन दिया गया है। कौन सा कथन है जो सही है, इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा और चौथा सही है। भाग 9 के खा में सहकारी समितियां और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। 77th क्वेश्चन है, 1947 में गठित स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला, डॉक्टर जॉन मिथाई रेलवे और परिवहन विभाग से संबंधित थे। सेकेंड, R.K. षणमुगम शेट्टी के पास वित्त विभाग था। थर्ड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास श्रम विभाग। और फोर्थ, जगजीवन राम के पास विधि विभाग था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास विधि विभाग था और जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। 78th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य वर्ष 1990 में गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं? पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है महाराष्ट्र, फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर चूज कीजिए।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और इसके साथ साथ पुदुचेरी भी आते हैं। 79th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? पहला है दिल्ली, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है लद्दाख, फोर्थ है पुदुचेरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख आते हैं। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और MP। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके साथ में बिहार में। इन तीन जगह पर द्विसदनीय विधानमंडल है, पश्चिम बंगाल और MP में एक सदनी है। 81st क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है, नई टैक्स स्कीम के तहत तब 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है। सेकंड है, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। थर्ड है, सबका साथ के मंत्र के साथ भारत सरकार ने इस 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त किया गया है, ना कि 20, यहाँ पर 25 होगा। 82nd क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार PM जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करके कितने लाख करोड़ रुपये बचाए हैं? ऑप्शन ए 2.9 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2.7 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2.5 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 2.3 लाख करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.7 लाख करोड़ रुपए। 83rd क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला है, PM स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को दृढ़ सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। सेकंड है, PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसाय से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को हर तरह की सहायता मिलती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। 84th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला कथन है, वर्ष 2023 वैश्विक राष्ट्रों के बीच भारत की स्थिति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सेकंड है, भारत वैश्विक स्तर पर 5G की सबसे तेज तैनाती हासिल करने में भी सक्षम रहा है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। 85th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार के संबंध में सही विकल्प बताइए। पहला, वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024 में वृद्धि का आधिकारिक अनुमान 7.3% है। सेकंड है, मुख्य मुद्दा स्फीति के धीरे धीरे लक्ष्य से कम होने की उम्मीद है। थर्ड है, लचीला सेवा निर्यात और कम तेल आयात लागत के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा GDP के 5% तक का कम हो गया है। इनमें से कौन से कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि लचीला सेवा निर्यात और कम तेल आयात लागत के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा GDP के 1% तक कम हो गया है, ना कि 5। 86th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा के अनुसार मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन दृष्टिकोण देश का मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने में अच्छी स्थिति में खड़ा करता है? ऑप्शन ए, मिशन अमृत, ऑप्शन बी, मिशन समय, ऑप्शन सी, मिशन वीर और ऑप्शन डी, मिशन मोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन मोड। 87th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, जुलाई 2023 तक भारत ने 431 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे, जिनमें से 396 विदेशी उपग्रह जून 2014 से लॉन्च किए जा रहे थे।
सेकेंड है कोविन ऐप के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक को लागू करने में सफल रहा है। थर्ड है कोविन ऐप के अनुसार 18 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी को 225 करोड़ टीकाकरण खुराक दी गई है। कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि कोविन ऐप के अनुसार 18 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी को 221 करोड़ टीकाकरण की खुराक दी गई, ना कि 225। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है शांत घाटी केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों वाला एक क्षेत्र है। सेकंड है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। थर्ड है मरुस्थलीकरण मृदा अपरदन के प्रभावों में से एक है, ना कि कोई कारक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक जो तापन ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको सीधे योगदान नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 89th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है हरित मफलर का संबंध सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से है। सेकेंड है नॉकनी सिंड्रोम क्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है। थर्ड है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि पहला गलत है, क्योंकि ग्रीन मफलर या हरित मफलर का सीधा संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, ना कि वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, बायोडीजल का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? पहला है जेट्रोपा, सेकंड है पोंगामिया, थर्ड है सूरजमुखी और फोर्थ है मक्का। इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जेट्रोपा आएगा, पोंगामिया आएगा और मक्का आएगा। इनसे बायोडीजल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है बायोडीजल के प्रोडक्शन में। 91st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। सेकंड है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। थर्ड है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जैसलमेर राजस्थान में है। फोर्थ है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में है। कौन से विकल्प हैं जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राजस्थान में तो है लेकिन जयपुर में है, और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान महाराष्ट्र के पुणे में है, ना कि मुंबई में। 92nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की परिभाषा के अनुसार कोई प्रजाति तब विलुप्त मानी जाती जब वह 50 वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बी है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, सी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। 93rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहले सारे कथन देख लीजिए। पहला है फसल चक्र द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है। सेकंड है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत को माना जाता है। थर्ड है ISO 14000 श्रृंखला के मानक मृदा संरक्षण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। फोर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 से 22 अप्रैल को पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निश्चय किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, ना कि मृदा संरक्षण को। 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है? पहला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सेकंड है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, थर्ड है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और फोर्थ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को
समाहित किया गया है। 95th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सारे कथन देखिए। पहला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है। सेकंड है, 9 लाइन मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। थर्ड है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए 24,104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊपर दिए गए कथन में से बताना है कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 96th क्वेश्चन है, सारे कथन देखिए और इन पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही है। पहला, ट्रांसमीटर एक विद्युत उपकरण है जिसके माध्यम से एंटीना की मदद से विद्युत चुंबकीय सिग्नल प्रसारित होते हैं। सेकंड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कोर के अंदर चक्कर लगाने वाली धाराओं के कारण निर्मित होता है और इसे भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। थर्ड, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। फोर्थ, वोल्ट मीटर का उपयोग सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है और इसे हमेशा सर्किट में समानांतर में स्थापित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट इसमें राइट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं 97th क्वेश्चन में और बताना इनमें से कौन से कथन सही है। पहला कथन है, जब एक प्रकाश तरंग हवा से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाती है। दूसरा कथन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब आपतन कोण क्रांति कोण से कम हो जाता है तो अपवर्तित किरण वापस सघन माध्यम में लौट जाती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पहला कथन सही है दूसरा गलत है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो अपवर्तित किरण वापस सघन माध्यम में लौट जाती जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसलिए कथन दूसरा गलत था, यहाँ पर कम दिया गया था क्रांति कोण। राइट आंसर है ऑप्शन सी। 98th क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति घट जाती है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व बढ़ जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, जब नमी वाले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर नमी कम होती है। थर्ड है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्योदय से कम समय पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद दिखाई देता है, बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है। 99th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को देखिए और बताइए कौन से कथन सही है। तो इसका पहला कथन है, वायु की एक निश्चित अवधि तक जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। सेकंड है, थर्मस में उपयोग किए जाने वाले कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। थर्ड है, रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि रेक्टिफायर का काम क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो एसी करंट अर्थात अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये गलत दिया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन देख करके बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन है, यदि किसी बर्तन में पानी गर्म किया जाए तो उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा कथन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करने पर सामान्य तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है अर्थात इसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व तो कम हो जाता है, बताना इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समताप मंडल में वायु विरल और दबाव कम होता है
जिसके कारण जेट विमान यहाँ आसानी से और तेजी से उड़ते हैं। सेकेंड है, सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड है, परास्रव्य ध्वनि तरंगे रडार द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की तरह अपने रास्ते में किसी बाधा से टकराने के बाद स्रोत पर लौट आती हैं। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सारे कथन सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न में फिर से सही कथन का चयन करना है। पहला है, हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन और ज्वाला मंदक के रूप में किया जाता है जो उच्च तापमान उत्पन्न करते हैं। सेकंड है, घरेलू उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है और बायोगैस या गोबर गैस में 50-75% मीथेन होती है। थर्ड है, कोयला गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है या कोयले के आंशिक आसवन द्वारा बनाई जाती है। फोर्थ है, गैसोहोल ईंधन 10% निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन फिर से चुनें। पहला है, जिंक ऑक्साइड का उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। सेकेंड है, क्लाउड सीडिंग मौसम बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें बादलों का उपयोग इच्छानुसार बारिश कराने के लिए किया जा सकता है। थर्ड है, क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे पदार्थों को उपयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जबकि जिंक ऑक्साइड को पुष्प के नाम से, यशत पुष्प के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का सफ़ेद पाउडर होता है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही और मलहम आदि के बनाने में, निर्माण करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं बताइए। पहला, एस्पार्टेम एक कृत्रिम स्वीटनर है जो सुक्रोज या सामान्य चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। सेकंड है, एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है या ज्वर होने पर ज्वरनाशक के रूप में दिया जाता है। थर्ड है, क्लोरोइथेन जिसका उपयोग प्लास्टिक के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इसका निर्माण एसिटिलीन से किया जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, तीनों कथन सही दिए गए हैं। 105th क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से देख के बताना है कौन से सही हैं। पहला, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटीरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटीरियम ऑक्साइड बनाता है जिसे भारी जल कहते हैं। दूसरा कथन है, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा कोलाइडल जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिटकरी को गंदले जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उर्ध्वपातन और अवसादन के द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये विकल्प देख करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। 106th क्वेश्चन है, इनमें से बताने कौन से पेयर सही दिए गए हैं। पहला है, ब्लीचिंग पाउडर इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। सेकंड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। थर्ड है, वॉशिंग पाउडर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और फोर्थ है, बेकिंग सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इनमें से कौन से पेयर करेक्ट हैं, विकल्प देख करके बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है, सारे कथन देखिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए उस पर जिंक की पॉलिश की जाती है, इसे गैल्विनीकरण कहते हैं। सेकंड है, सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। थर्ड है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य तेलों पर हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो यह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 108th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लघु पोषक तत्वों से संबंधित सही विकल्प बताइए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे गए हैं, इसमें मैंगनीज है, सेकंड आयोडीन है, थर्ड मॉलिब्डेनम है, फोर्थ मैग्नीशियम है और फिफ्थ सोडियम है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें मैग्नीज, आयोडीन और मॉलिब्डेनम आता है।
तो लोहा, जस्ता, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकेल, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लघु पोषक तत्व होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर दीर्घ पोषक तत्व की बात करें तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन और गंधक आदि, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। 109th क्वेश्चन, सही कथन का चयन करना है। पहला, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। सेकेंड, लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसीका ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि में होता है। थर्ड, न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो ग्रैनुलोपाइसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। और फोर्थ है, लिम्फोसाइट जिन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाएं या इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है, सबसे छोटी लेकिन सबसे अधिक संख्या वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनमें से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट है। पहला, तीसरा और चौथा कथन सही दिया गया है। ठीक है, शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। अभी जो लिम्फोसाइट्स हैं, इनका निर्माण होता है प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लसीका ग्रंथि लिम्फ ग्लैंड्स में होता है, लेकिन पीनियल ग्लैंड में नहीं होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल से श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो कि ग्रैनुलोपोइसिस की एक प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा अस्थि मज्जा बोन मैरो में ये निर्मित होती हैं। फोर्थ है, लिम्फोसाइट जिन्हें प्रतिरक्षा या इम्यून सेल्स बोलते हैं, इन्हें इम्यूनोसाइट्स कहा जाता है। ये बहुत छोटी होती हैं लेकिन संख्या अधिक होती है और ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो अमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। सेकेंड है, माइलेज नामक एंजाइम लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। थर्ड है, पिट्यूटरी ग्रंथि से ADH हार्मोन स्रावित होता है, यह हार्मोन किडनी द्वारा उत्सर्जित मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो आइसोटोप आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है, रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए किया जाता है। थर्ड है, रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 का उपयोग पौधों और जानवरों के अवशेषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि रेडियो आइसोटोप सोडियम 24 का उपयोग करते हैं, ना कि कोबाल्ट 60 का, परिसंचरण तंत्र में रक्त के जो थक्के होते हैं उनका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के, बताइए कौन से हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, डी और के। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों के चारों फैट सॉल्युबल होते हैं। अब बचे कौन? तो विटामिन बी और सी, ये कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शरीर में आयरन की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर हो जाती है। सेकेंड है, दूध में केसिन नामक प्रोटीन मौजूद होता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। थर्ड है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। फोर्थ, पित्त का श्राव यकृत द्वारा होता है लेकिन इसे संग्रहित करने का कार्य पित्ताशय द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही है। पहला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सेकेंड है, गाजियाबाद के अभिनव चौधरी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। थर्ड, उत्तर प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह में
चौथा सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि यूपी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में पांचवा सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है, ना कि चौथा। 115th क्वेश्चन पे हैं। पहला कथन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया है। सेकंड, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में आयोजित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 को संबोधित किया है। थर्ड, एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 का विषय ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 है। में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर राज्य हथकरघा पुरस्कार के चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय स्तर पर कबीर पुरस्कार के लिए 3 विजेताओं की घोषणा की गई है। इन विजेताओं से संबंधित सही विकल्प चुनिए। पहला है, वाराणसी की लक्ष्मी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड है, मिर्जापुर की रुखसार बेगम को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। थर्ड है, वाराणसी के मंगला प्रसाद मौर्य को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। कौन से कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण यूपी के वाराणसी में आयोजित किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल 1400 लोगों को 7 समूहों के 200 के ग्रुप में विभाजित किया गया है। थर्ड, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के 7 समूहों का नाम एक पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और सरजू के नाम पर रखा गया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि 7 समूहों के नाम एक पवित्र नदी जो है इसमें, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और गोदावरी तो है, लेकिन सरजू नहीं होगा, यहाँ पर कावेरी होगा, इनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। पहला है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 30% जीएसटी लगाने का विधेयक हाल ही में औपचारिक रूप से पारित किया गया है। सेकेंड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हाल ही में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। थर्ड है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव हाल ही में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पास हुआ। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 28% जीएसटी लगाने का विधेयक हाल ही में औपचारिक रूप से पारित किया गया, ना कि 30%। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 1990 से 2020 के दौरान पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिट्टी का कटाव 94% बढ़ गया है। सेकंड है, महाराष्ट्र के पुणे की प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊँचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शोध है। कौन सा है ये संस्थान? बॉम्बे है, ना कि मद्रास है। बाकी सारा करेक्ट है। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लद्दाख के सीबक थॉर्न फल को हाल ही में भौगोलिक संकेतक दिया गया है। सेकेंड है, सीबक थॉर्न फल को लेह बेरी और लद्दाखी गोल्ड के नाम से जाना जाता है। थर्ड है, सीबक थॉर्न फल भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला लद्दाख का चौथा उत्पाद बन गया है। फोर्थ है, सीबक थॉर्न फल से पहले लद्दाख पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी भौगोलिक संकेतक टैग दिया जा चुका है। तो GI टैग के बारे में कौन से कथन सही हैं, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को देखिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला, हाल ही में गोवा राज्य सरकार द्वारा इसरो के डॉक्टर
मथव राज को पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। सेकेंड, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क तमिलनाडु के चेन्नई में बनाए जाने की घोषणा की गई है। थर्ड, हाल ही में नेपाल समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। कौन से कथन है जो सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बन रहा है ये कर्नाटक के बंगलुरु में बनाए जाने की घोषणा की है, ना कि तमिलनाडु के चेन्नई में। 122वां प्रश्न है, हाल ही में असम राज्य के निम्नलिखित में से किन रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? पहला है रंगिया रेलवे स्टेशन, सेकेंड है कोकराझार रेलवे स्टेशन, थर्ड है मरियानी रेलवे स्टेशन, और इनमें से देख करके बताइए कौन से कोड सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसमें रंगिया रेलवे स्टेशन है और मरियानी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 123वां प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किन हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेकेंड इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, थर्ड है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली का, इन दोनों को संयुक्त रूप से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मध्य प्रदेश के वन और कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राहुल सिंह लोधी ने हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता जेनेटिक सिल्क पार्क का उद्घाटन किया है। सेकेंड है, राहुल सिंह लोधी ने हाल ही में MP के पंचमढ़ी में भारत का पहला जैव विविधता जेनेटिक सिल्क पार्क लॉन्च किया है। थर्ड है, HDFC बैंक ने 5 के साथ मिलकर हाल ही में 5 HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही। इसमें तीसरा इनकरेक्ट है ऑप्शन, यहाँ पर HDFC बैंक नहीं होगा, 5 के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि बिना नंबर वाला है। 125th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, सारे कथन देख लीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने हाल ही में जी राम मोहन राव को 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है। थर्ड, भारत और नेपाल ने हाल ही में अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और बुकलेट का अनावरण किया है। कौन से कथन इनमें से सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने गुजरात में प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है, ना कि UP में। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने हाल ही में संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सेकेंड, त्रिपुरा ने हाल ही में 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के उद्देश्य से 5वां गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। थर्ड स्टेटमेंट है, 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारतीय रेलवे ने हाल ही में 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि त्रिपुरा नहीं होगा, असम होगा। असम में ही 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के उद्देश्य से 5वां गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है। 127th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है अब। तो पहला कथन है, एक अनुभवी नौकरशाही विकास सील को हाल ही में मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
सेकंड है, इसरो ने हाल ही में पीएसएलवी C58 मिशन के दौरान POEM-3 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर 100 वॉट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसरो ने हाल ही में पीएसएलवी C58 मिशन के दौरान POEM-3 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर 100W पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। थर्ड, IPS रश्मि शुक्ला को हाल ही में पुणे की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। केवल तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि IPS रश्मि शुक्ला को पुणे की नहीं महाराष्ट्र की पहली पुलिस महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। सेकंड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। थर्ड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेलवे को 2025 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने में मदद करने के लिए भारत और USID के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2025 का टारगेट नहीं है, 2030 तक का है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट है। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, किर्गिस्तान ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक नामित किया है। सेकंड है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। थर्ड है, अपनी रंग बिरंगी परेडों और बढ़ती ऊर्जा के लिए मशहूर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो कार्निवाल को हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े त्यौहार का खिताब मिला है। फोर्थ है, वियतनामी ईवी दिग्गज विन फर्स्ट ऑटो ने हाल ही में राज्य में एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए केरल में $2 बिलियन के निवेश की पुष्टि की है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? इसमें राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इकाई केरल में ना स्थापित हो करके, यहाँ पर जो निवेश है वो केरल में ना हो करके होगी तमिलनाडु में। तो $2 बिलियन निवेश की पुष्टि कहाँ की गई है? तमिलनाडु में, ना कि केरल में। 130वां कथन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को चुना है। दूसरा कथन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 131st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, हाल ही में गोवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। सेकंड है, हाल ही में अवतार ग्रुप के हालिया TCWI 2023 अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में शीर्ष पर है। थर्ड है, जनरल वीके सिंह ने हाल ही में मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 132nd क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कथन गलत दिए गए हैं, अब इनका विकल्प आपको चुनना रहेगा। पहला है, भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में 4 Stars of Destiny एंड ऑटोबायोग्राफी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। सेकंड है, अनुभवी भारतीय राजनयिक इंदुमणि पांडे ने हाल ही में 7 सदस्यीय बिम्सटेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। थर्ड है, दक्षिणी डेनमार्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में विद्युत प्रवाह की मिट्टी की खोज की है जो आश्चर्यजनक फसल वृद्धि को बढ़ावा देती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। 133rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हाल ही में AI ODC पहल का अनावरण किया है। सेकंड है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में डेनमार्क ने हाल ही में ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का अनावरण किया है।
थर्ड है मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु ने हाल ही में 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की योजना का अनावरण किया है। फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक ऐतिहासिक चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे यूएसए होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हाल ही में ऐतिहासिक चंद्र मिशन लैंडर लॉन्च किया है, उसका नाम है पेरेग्रीन 1 लैंडर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला कथन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सेकंड है केरल की एक महिला ने हाल ही में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान आश्चर्यजनक 140 भाषाओं में अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। थर्ड है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण हाल ही में सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। फोर्थ है फिनटेक फर्म फोनपे ने हाल ही में रितेश पई को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताएं कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण अभी हाल ही में कोलकाता में आयोजित किया गया है, ना कि सिलीगुड़ी में। 135th क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, दोनों देख करके सही उत्तर चूज करिए। पहला, विश्व कप विजेता जर्मन और बायर्न म्यूनिक के महान खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर का हाल ही में निधन हो गया है। कथन दूसरा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों कथन पहला और दूसरा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात में एक फाइनेंस कंपनी के गठन की मंजूरी मिली है। सेकेंड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। थर्ड है, अमेरिका ने हाल ही में चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और अन्य देशों को गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 137वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है जर्मन मूल के हॉलीवुड अभिनेता क्रिश्चियन ओलिवर का हाल ही में निधन हो गया है। सेकेंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गांधीनगर में विशाल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। थर्ड है 34th वर्षीय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने हाल ही में गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फोर्थ है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सशस्त्र बलों के लिए 7.62x51mm कैलिबर की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च की है। निम्नलिखित कौन से कथन हैं जो सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों कथन सही हैं। 138th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प देखें। पहला कथन है HDFC बैंक ने हाल ही में सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड नामक एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सेकेंड, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने हाल ही में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया है। थर्ड, वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को हाल ही में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फोर्थ, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में खाद्य प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट है, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि HDFC ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड नहीं लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है इंडस इंड बैंक ने। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। तो पहला कथन है भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी में 10% तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। सेकेंड है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2024 से 2028 तक 4 साल की अवधि के लिए Viacom 18 के साथ एक महत्वपूर्ण मीडिया अधिकार साझेदारी पर मुहर लगा दी है।
थर्ड भारतीय नौसेना ने हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 24 के लिए गुआम में P-8I विमान के आगमन के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस क्वेश्चन में आपको करेक्शन करना होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही होगा, या फिर अगर कौन सा कथन गलत दिया गया तो इसमें ऑप्शंस आपको देखने होंगे। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आप बढ़ा लेंगे, केवल दूसरा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2024 से 2027 तक किया है, ठीक है, 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए वायाकॉम 18 के साथ महत्वपूर्ण मीडिया अधिकार साझेदारी पर मुहर लगा दी है, तो 2023 से 2027 तक। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही दिया गया है बताना है। पहला है, जेनसोल इंजीनियरिंग ने हाल ही में गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। सेकंड है, हाल ही में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। थर्ड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी की जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। कौन से कथन हैं जो सही हैं? इसमें आप विकल्प चूज करेंगे, ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 141st क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को देख करके सही विकल्प चुने हैं। पहला कथन है, दक्षिण कोरिया की संसद ने हाल ही में कुत्ते के मांस की सदियों पुरानी खपत को समाप्त करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। कथन दूसरा है, महाराष्ट्र ने हाल ही में अपने लुप्त प्राय कैनिड परिवार जंगली कुत्तों भेड़ियों सियार और लोमड़ियों के लिए एक नया अभयारण्य अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व बनाया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही दिए गए हैं, दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प पहला सही होगा। 142nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला, चीन और मालदीव के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और मोहम्मद मुइजू ने हाल ही में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 20 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शेरिंग तोबगे को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। थर्ड, केरल की दिव्य कीर्ति सिंह हाल ही में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं। इसमें से राइट आंसर चूज करिए, विकल्प डी सही है, पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि दिव्य कीर्ति सिंह जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार पाया है ये केरल की नहीं है, राजस्थान की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और सही विकल्प चुनते हैं। पहला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में 2022 के दौरान भारत में अपराध शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। सेकंड है, केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज़ की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल किया है। थर्ड है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। फोर्थ है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर में सांस अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया गया है। अब इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 144th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। पहला है, वासुदेव देवनानी, इनको हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में इटावा में उद्घाटन किया गया है। थर्ड है, टेलर स्विफ्ट को हाल ही में टाइम मैगजीन का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है, देख करके बताना है। पर आपको इस क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा कि तीनों कथन सही दिए गए हैं, क्योंकि वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और यूपी के भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में इटावा में उद्घाटन भी किया गया है और टेलर स्विफ्ट को हाल ही में टाइम मैगजीन का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है, तो सारे करेक्ट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट था, कोई भी कथन गलत नहीं है। 145th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, झारखंड पुलिस ने 1 जनवरी से FIR दर्ज होने के 75 दिन के भीतर मामलों की जाँच पूरी करना बाध्यकारी बनाने का फैसला किया है। सेकेंड है, भारत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है।
थर्ड है हाल ही में इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फोर्थ है हाल ही में जारी की गई आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी देखी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि ये भारत और यूएसए के बीच समझौता हुआ है, ना कि फ्रांस के बीच। 146th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला कथन है थारू जनजाति उत्तराखंड राज्य और कुमायूं क्षेत्र की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। सेकंड है थारू जनजाति राज्य के तराई और भावर क्षेत्रों में रहती है। थर्ड है थारू जनजाति राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और श्रीलंका आदि राज्यों में भी रहती है। फोर्थ है थारू जनजाति के लोग स्थायी किसान और पशुपालक हैं। इनमें से करेक्ट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। जबकि थारू जनजाति आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और श्रीलंका के अलावा ये नेपाल में निवास करती, श्रीलंका में नहीं रहती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 147th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उनका उत्पाद है, झांसी, जालौन, फरुखाबाद और रायबरेली है। इनके उत्पाद से मिलाना है मुलायम खिलौने, काष्ट कला, हस्तनिर्मित कागज कला, ब्लॉक प्रिंटिंग जिसे कपड़ा छपाई कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा, देखिए झांसी मुलायम खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, जालौन प्रसिद्ध है हस्तनिर्मित कागज कला के लिए, फरुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग अर्थात कपड़ा छपाई के लिए और रायबरेली काष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी और 4 का बी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 148th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं और उनकी लोकेशन दी गई है। जैसे कि पहली है आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में, सेकंड है ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में, थर्ड है दादरी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में, फोर्थ है सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में। कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है, जबकि दादरी विद्युत परियोजना है गौतम बुद्ध नगर में और सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना है सोनभद्र में। 149th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। सेकंड है उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। थर्ड है ब्रजभाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और आसपास के जिलों में बोली जाती है। फोर्थ है वाराणसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी, ना कि 1980 में। आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, टोटल 150 प्रश्न थे, जैसे कि UPPCS का प्रश्न पत्र आता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है उत्तर दें। पहला, अल्फ्रेड पार्क का निर्माण एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस अल्फ्रेड की आगरा यात्रा की स्मृति में किया गया था। सेकंड है आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने कराया था। थर्ड है तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। फोर्थ है भारत में स्थित वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कौन से कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आप सभी को पता लग गया होगा अल्फ्रेड पार्क के बारे में, तो इसका निर्माण प्रिंस अल्फ्रेड की जो प्रयागराज यात्रा थी उसकी स्मृति में किया गया था, ना कि आगरा की। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो आज के कंप्लीट हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट में 150 प्रश्न सम्मिलित किए गए थे। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको ये टेस्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं प्रिपेयर हैं, जो क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहे हैं,
आप उनको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर जरूर करें, एक दो बार वीडियो रिपीट जरूर करिएगा, वरना एक बार पढ़ने के बाद आप भूल जाएंगे प्रश्नों को, एक बार में याद नहीं रख पाता दिमाग, दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो इन क्वेश्चन को हल करने का फ़ायदा भी मिलेगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही और मॉक टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़रा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।